अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मुझे तो आप लोग जानते होंगे जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट को आपके साथ ला रहा हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। इनका नाम है मिस्टर सोहेल आशिक। अगर आप सबको पता होगा, जिनने भी JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स का एग्जाम दिया होगा, उनको ये पता ही होगा कि सोहेल साहब जो है उन्होंने JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में टॉप कर लिया है। लिस्ट में इनका नाम सेकंड रैंक है, बट अगर देखा जाए फर्स्ट रैंक जो है और सेकंड रैंक, इनके दोनों के मार्क्स बराबर बन रहे 2.5। और जो जिनने फर्स्ट रैंक मतलब लिस्ट में है उनका बस एज इनसे ज्यादा है, अदरवाइज दे बोथ ऑफ देम आर टॉपर्स। कश्मीर डिवीजन से आप डेफिनेटली बोल सकिए टॉपर, बट मार्क्स के हिसाब से भी दोनों टॉपर्स है। तो इनको आज हमने इन्वाइट किया है इस प्लेटफॉर्म में ताकि जो इनकी जर्नी रही है वो ये आप लोगों के साथ शेयर कर ले। इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज रही है, वो सारे जो जर्नी इनका था उसके पीछे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी एस्पायरिंग बच्चे हैं जो JKSSB एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनको थोड़े इंसाइट्स मिल जाएं कि किस तरह से उनको इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। सहेल साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस सेशन के लिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे और आपकी पढ़ाई की जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा बता देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुहेल आशिक है। तो मैं यहाँ चंदनपुरा सफाकदल से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो 10th तक की पढ़ाई वो यहीं पर शाहीन पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने 12th पास किया SP हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो उसके बाद मैंने BE किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में SSM कॉलेज से। और उसके बाद फिर मैंने MTech भी किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो रिसेंटली पिछले साल पिछले साल नहीं तो 2022 में वो कंप्लीट हो गया। और आप SSB एग्जाम्स के लिए कब से पढ़ना स्टार्ट कर लिए? एक्चुअली SSB का एग्जाम सबसे पहले मैंने PAE दिया था, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन PAE जो मैंने दिया था उस वक्त कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैंने वो एग्जाम बस इसलिए दिया था सो दैट कि मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या पेपर आता है, कैसे कितने इन कितनी डेप्थ से मतलब कितनी डेप्थ होनी चाहिए नॉलेज की इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम जो दिया था वो जूनियर असिस्टेंट और FAA का दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जूनियर अच्छा, असिस्टेंट का तो हो गया था उसी वक्त, तो FAA का तो सबको पता है फिर वो तो स्क्रैप ही हो गया। तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स थे, 93-94 उसमें भी मुझे मार्क्स आते थे, लेकिन फिर तो वो स्क्रैप ही हो गया। तो उसके बाद जूनियर असिस्टेंट तो मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद पिछले साल जून में हमारी अपॉइंटमेंट हो गई, तो वहां पर मैंने फिर ज्वाइन कर प्रेजेंटली आप वर्किंग एज जूनियर असिस्टेंट लिया। जी और हाँ, साइमल्टेनियसली आप फाइनेंस अकाउंटेंसी के लिए भी प्रिपेयर। और आपकी ये बीटेक कब कंप्लीट हुआ था? ये 2018 पास आउट हूँ मैं। ओके, 18 के बाद आपने एमटेक के लिए एंट्रेंस तो मतलब एग्जाम ये साइड से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली और साइड में पा का एग्जाम भी दे दिया आपने। एक्चुअली जब BTech कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कुछ ही महीने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट निकले थे, तो वहां से एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मैंने वो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए मतलब मैंने सोचा था कि भाई इसको इस एग्जाम को तो क्वालिफाई करना है। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2-4 महीने लगाए। तो उसके बाद बीच में SSC वो रेलवेज का भी एग्जाम, JEE का एग्जाम हुआ, तो उसमें भी टीयर फर्स्ट क्वालिफाई हुआ। लेकिन फिर बाद में जो सेकेंड टीयर का एग्जाम था तो वो एक आधे नंबर से रह गया। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर का मैं कंटिन्यू कर रहा था। फिर 2019 आया, अगस्त आया, तो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन होके स्टेट की, तो अच्छा, फिर वो पोस्ट इसी विड्रॉ हो गए। तो उसके बाद तो फिर यही मतलब रह गया कि वो एग्जाम फिर मतलब वो तो मुझे लगा था कि उस वक्त के जाया हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाई जाया नहीं हुई, आगे वो बहुत ही यूज मतलब काम आई मेरे। तो उसके बाद मैंने गेट भी क्वालिफाई किया उसी प्रिपरेशन से, और उसके बाद UGC NET JRF वो भी क्वालिफाई हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं जो आपने SSB एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन करी, इसमें आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बता देंगे या ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उसके बारे में अगर आप बता देंगे। जी, स्ट्रैटेजी तो बहुत ही सिंपल थी। सिलेबस देखना है, सिलेबस में जो भी लिखा है, जो भी टॉपिक्स है, उनको थॉरोली पढ़ना है। तो बिल्कुल हमने वही किया। तो मैंने सिलेबस देखा, हर एक टॉपिक, हर एक मतलब सब्जेक्ट को देखा। तो पहले तो मेरी जो मैं कहूँगा कि पहले ये जो तीन सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, मैथ्स और साइंस, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे ठीक ही आते थे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इनमें।
और मैं साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाता था 9th 10th के, तो उसमें भी उसका भी बहुत ज्यादा मतलब ये फायदा हुआ मुझे। कंटिन्यूअसली मैं कंटिन्यूअसली उनको पढ़ाता था, तो एनसीईआरटी पे काफी होल्ड आ गया था मेरा, तो उसी वजह से मतलब मुझे इन 3 सब्जेक्ट्स में आराम हुआ। फिर अगर हम अकाउंटेंसी के बारे में देखें, तो अकाउंटेंसी के लिए मैंने ऑली बोर्ड से लिए थी, सीरीज ली थी, तो वहां से भी पढ़ा पढ़ा था मैंने। और माशाल्लाह आप भी तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो आपके ये वीडियोस भी कंसल्ट किए, और एनसीईआरटी तो साथ में रखी थी। तो इसके अलावा जीके जो है, तो उसके लिए मैंने मोस्टली यूट्यूब से ही देख लिया था, और इसके अलावा मैंने ल्यूसेंट की जो है जीके की बुक है, तो उसको भी कंसल्ट किया था। तो और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी मोस्टली एनसीईआरटी से ही मैंने कवर किया था। ओके तो जो मैं अगर इसको समराइज कर लूँ तो मेजरली जो आपने कर लिया है वो था आपने एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट कर लिया मेजरली, एक्सेप्ट फॉर जो आपके कोर सब्जेक्ट जो आपको ऑलरेडी आते थे उसके बगैर जो आपने बाकी ये सब्जेक्ट्स बोल दिए, इन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स में आपने एनसीईआरटी पे ही फोकस कर लिया था, और साइमल्टेनियसली आपने यूट्यूब पे भी रिलाई कर लिया, मतलब इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब आपने एनसीईआरटी बुक्स भी कंसल्ट कर ली जो आप खुद पढ़ रहे थे, बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात इनने बोली वो ये चीज, पहले सिलेबस को अच्छे से देखो। बच्चे अपना सिलेबस नहीं समझ पाते हैं तब तक बहुत सारे मंथ्स निकलते हैं, तो ये एक बात आपको ख्याल रखनी है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से देखना है। सिलेबस एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या है, और फिर जाके उसका सोर्स, इन्होंने एक सोर्स बता दिया एनसीईआरटी जीके के लिए, इन्होंने बता दिया, एंड देन यूट्यूब वीडियोज पे भी इन्हें रिलाई कर लिया था। और फिर आप पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब आप एक एक चीज यहाँ पे है, मतलब दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आपने बोला कि आपने जूनियर एसिस्टेंट का एग्जाम दे दिया, उससे पहले पंचायत किया तो एक ही एग्जाम था, साइड में जैसे आपके अपने कोर फील्ड के एग्जाम्स थे, असिस्टेंट इंजीनियर ये सब चीज, और फिर फाइनेंस का एग्जाम, सिलेबस डिफरेंट है, तो इस चीज को आप कैसे कूप अप करते हो? अभी भी मैं देखता हूँ एसएसबी में बहुत सारी पोस्ट की एक साथ निकलती है, अब बच्चे क्या करते हैं हर एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर एग्जाम के लिए फॉर्म भरें और हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कि एक दो मेजर एग्जाम ले लें उसके लिए प्रिपरेशन करें, क्या आपको सही लगता है इन तो चीजों? एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि जेके एस एस बी जो है, इनके मोस्टली जो एग्जाम है इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 60-70% तो सिलेबस सेम ही होता है। तो अगर बिल्कुल आप एक एग्जाम को लेते हैं एज मेन एग्जाम, तो उसके साथ साथ आपके बाकी एग्जाम्स में का भी 60-70% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि फिर जब आप अगर उसमें नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने लिए ऑप्शंस खुले रखें, सारे एग्जाम्स के लिए आप मतलब अप्लाई करें, तो आप एक एग्जाम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस भी सेम आ रहा है। तो आप विद इन फिर जब एग्जाम को जो आपको मतलब जो आप बाकी एग्जाम्स है जब उनको कुछ मतलब 1 महीना 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले आप खाली उन पे फोकस करें, सो दैट कि जो भी आप वो 30-40% जो सिलेबस रहता है तो वहां पर आप वो कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शंस खुले रखेंगे रहेंगे और आपका माइंड भी आपका उससे फ्री रहेगा। और आप जो ये पढ़ाई करते थे, चलो आपने सिलेबस भी देख लिया, आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे किन सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है ये दो चीजें तो होगी आइडेंटिफाई, फिर आप पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब आप दिन में एक सब्जेक्ट लेते थे या वीकली टारगेट बनाते थे, मंथली टारगेट बनाते थे, या दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट लेते थे, क्या रहता था आपका अप्रोच? तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट तो मैंने किया था जब ये FAA के लिए, तो उसी वक्त किया था जब इसके फॉर्म्स निकले थे। तो उस वक्त वो कोविड का मसला भी था, तो घर में ही ज्यादा रहते थे, तो टाइम बहुत ज्यादा था, तो टाइम की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने जो स्टार्ट किया था तो मैंने सब्जेक्ट वाइज उठाया था, तो मैंने पहले इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ज्यादा सिलेबस भी नहीं था तो वो 2-3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता था मेरा। तो पहले इकोनॉमिक्स उठाया, फिर स्टैटिस्टिक्स उठाया, फिर अकाउंटेंसी उठाई, फिर जीके भी उठाया, और उनमें तो मैंने आपसे कह दिया था कि ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट वाइज पहले उठाया, लेकिन उसके बाद जब रिवाइज मैं कर रहा था तो रिवाइज मैं साथ साथ उठाता था, तो 1 हफ्ते में 1 रिवाइज, फिर वीकली मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इस हफ्ते में इसको कंप्लीटली रिवाइज करना है, दूसरे हफ्ते में दूसरे को रिवाइज करना है, तो रिवीजन उस हिसाब से मैंने किए थे। मतलब रिवीजन भी आप सब्जेक्ट वाइज ही कर रहे थे, मतलब एक दिन में आप एक ही बुक पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था? एक्चुअली मैं कर रहा था, मैं रिवाइज कर रहा था जब मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने पूरा पहले एक दफा पूरा पढ़ लिया था तो मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। तो मॉक टेस्ट जब मैंने स्टार्ट किए
तो मैंने पहले मॉक टेस्ट दिया, एक दो मॉक टेस्ट दिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सारा फिर से रिवाइज कर लिया पूरा जो सिलेबस है। तो मैंने ऑब्वियसली मैंने ज्यादातर यही सब्जेक्ट वाइज ही किया था, लेकिन मुझे टाइम कम लगता था। अकाउंटेंसी को मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगता था पूरा रिवाइज करने में। ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स है उसको 1 आधे हफ्ते में मैं पूरा कंप्लीट कर देता था। तो फिर मैं उसके बाद एक और मॉक टेस्ट, तो टाइम तो बहुत सारा था, 3 साल लगा दिए इस एग्जाम के में, तो टाइम बहुत सारा था। तो मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, मैं मॉक टेस्ट देता था उसके बाद फिर से मैं पूरा रिवाइज कर लेता था। लेकिन फिर जब एंड पे जब एग्जाम नजदीक आया तो मैं खाली उन चीजों को रिवाइज करता था जो मैं मॉक टेस्ट में जो मुझे गैप्स लगती थी कि यहाँ पर मुझे गैप लग रही है अपनी प्रिपरेशन में, ये टॉपिक मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं उन टॉपिक्स को खाली रिवाइज करता था सो दैट के अभी टाइम कम है तो मेरा मेरी प्रिपरेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो मॉक टेस्ट दिए उससे आप जो इम्पोर्टेंट चीज देनी थी वो लेते थे, दैट वाज कि आप एनालाइज कर लेते थे कि आपने वीक एरियाज क्या है और फिर उन पे वर्क करते थे। रादर देखिए, आप अगर खुदा ना खास्ता कोई मॉक आपका अच्छा नहीं हुआ और आप उस पर परेशान होते थे, रोते थे, ऐसा कोई वो चीज नहीं होता नहीं, था ना। ऐसा ऐसी तो मॉक कोई से बात आपने नहीं जो आपने मॉक्स दे दिए, आपको बच्चों के लिए मुझे बता दीजिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी है, क्योंकि मैं एक चीज देखा हूँ जो मुझे बहुत इरिटेट करती है कि बच्चे एक दिन में दो दो तीन तीन मॉक देते हैं। तो आपने जो मॉक्स दिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए बच्चों को मॉक्स देने में, और कब मॉक्स देने चाहिए? जैसे आपने भी बोला कि आपने पहले रिवाइज कर, पहले सिलेबस पूरा पढ़ा, फिर थोड़ी रिविजन करनी एंड देन आपने मॉक्स दे दिए, रादर देन आपने ये नहीं बोला कि मैंने पहले ही मॉक दे दिए। तो थोड़ा जी अपनी जी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल। बता दीजिए बच्चों के लिए। तो मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप मॉक्स के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि मैं रिवाइज करता। मुझे लगता था मुझे को सब कुछ आता है। तो जब मैं मॉक देता था तो मैं देखता था मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन इसमें ये चीजें हैं जो मुझे नहीं आती है। तो मैं वापस जाता था अपने नोट्स पे, अगर नोट्स में नहीं मिलता मैं अपने सोर्स पे जाता था, बुक्स पे जाता था, अगर वहां पर नहीं मिलता तो मैं सोर्स चेंज कर देता था, मैं कोई नई यूट्यूब चैनल देखता था तो उससे मैं वो कंसेप्ट्स वहां से क्लियर करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इस जो FAA का जो एग्जाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन आया था लॉरेंस कर्व पे। तो लॉरेंस कर्व जब मैंने इनिशियल स्टडी की थी तो ये मैंने कहीं नहीं देखी थी इकोनॉमिक्स में कि लॉरेंस कर्व होती क्या है। तो लेकिन मैंने जब मॉक दिया तो मॉक में मुझे ये सवाल आ गया, यही एग्जैक्टली जो सवाल आया था FAA में, तो यही सवाल आ गया था। मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मैंने फिर बहुत सारी चैनल्स देखी, तो वहां पर फिर मैंने वो टॉपिक लिया और वहां से मुझे खाली फिर लॉरेंस कर्व ही नहीं मिली, मुझे वहां पर फिर बाकी चीजें, फ्लिप्स कर्व, जीनी कोएफिशिएंट, वो सारी चीजें वहां से फिर क्लियर हुई। तो ये चीज होनी चाहिए कि आप अगर मॉक देते हैं तो मॉक से कुछ फायदा भी लेना है उसमें। एक तो पहला तो आपका एक सेल्फ असेसमेंट होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद आपको रिविजन भी देखना है कि आपको कहाँ ज्यादा आपका अपना फोकस देना पड़ेगा। तो वो चीजें एक मतलब एस्पिरेंट में होनी चाहिए कि वो इस मॉक टेस्ट, खाली मॉक टेस्ट देने से कोई ये नहीं होता कि अगर आप खाली मॉक टेस्ट देते हैं तो वो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं देगा, जब तक कि आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उनको उनपे वर्क नहीं करोगे। बहुत अच्छा। यहाँ पे भी जस्ट मैं एड ऑन करूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि लॉरेंस कर्व उन्होंने देखी थी अपने सोर्स से, तो एक चीज का ख्याल रखना है बच्चों को, ऐसा नहीं कि जब वो मॉक्स दे रहे होंगे कभी ये भी देखना कि ये सिलेबस में है कि नहीं है, मतलब वो कर्व आई गेस कि वो किसी मतलब जो मेजर सिलेबस का हेडिंग होगा उसमें फॉल कर रहा होगा कहीं पे, तो उसका भी जी ख्याल रखना। कभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूंगा कि आपके सिलेबस में एक चीज है आपने उसको प्रिपेयर कर दिया और वहां पे कंपनी का कुछ आ गया जबकि आपके सिलेबस में कंपनी है नहीं, और फिर आप कंपनी पढ़ने जाओगे तो वो एक पूरा पेंडोरा खुल तो जाएगा, उस चीज का आपको जी जी ख्याल रखना है। बिल्कुल जैसे मुझे फील आ रहा है कि आपने जो लॉरेंस करू बोला ये कहीं किसी उसमें टॉपिक में होगा आपके, बट आपने जो सोर्स इनिशिएट लिया था पहले आपको अपने सोर्स में जाना है कि वहां पे ये था कि मैंने ही नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं था, तब जाकर वो ये चीज फिर करना है कि भाई नहीं मेरा जो सोर्स है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, अब मुझे अपने होरिजन को थोड़ा बढ़ाना है। बट जी आपको पहले एक बिल्कुल बेसिक तो रखना है, ये नहीं कि पहले ही सब कुछ जमा कर लिया फिर पता चला कि आप ना इधर कर पा रहे हो ना उधर कर पा रहे हो। पहले आप इनिशियली सोर्स जो है एनसीईआरटी और वो सब कुछ ले लो, पढ़ लो, मॉक टेस्ट दे दो, फिर लगेगा कुछ चीज छूट गया दैट्स रिलेवेंट विद रेस्पेक्ट द सिलेबस, देन सर्च फॉर सम मोर सोर्सेज, और इस तरह से वो क्लैरिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छा एक और चीज जो आपने बता दी कि आप ऑलरेडी कहीं पे पोस्टेड थे, आप जॉब कर रहे थे, तो एक और डिलेमा आता है या बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, मैं वो देखता हूँ जो कहीं पे जॉब करते हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी जॉब करता है, प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं, उनकी एज गई हुई है बच्चों की,
उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताओगे? कि थोड़ा तो सिलेबस, आई गेस कि सिलेबस उनको पहले पढ़ना है क्लियरली, जैसे भी करके भी, और बहुत कुछ पढ़ाई होता है, जैसे आपने कोविड बोला, तो जो भी एसएस पे जुड़े हुए इस सब टाइम में तो पढ़ रहे थे। अब जो वर्किंग है वो कैसे आपने टाइम को मैनेज कर लिया, या आप कैसे करते थे टाइम को मैनेज? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो टाइम था, जो बहुत ही कीमती टाइम था, वो फजर के बाद होता था। फजर से जब तक के जो ये काम, जब ऑफिस ऑफिस टाइम जाने में का होती टाइम, थी, तो ये टाइम मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा, इसमें इंसान की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप बिल्कुल जो दिन में आप अगर 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो 2 घंटे में हो जाता है सुबह। तो ये चीज मेरी थी, तो मैंने कंटिन्यू करता था कंसिस्टेंसी के साथ कि मैं फजर के बाद ही इसे स्टार्ट करता था। तो जब भी ऑफिस टाइमिंग तक, तो फिर उसके बाद जब ऑफिस से वापस भी आते थे, तो शाम को भी 1-2 घंटे अगर निकलते आते थे, तो वहां पर भी मैं वो भी यूटिलाइज करता था। कि ऐसा नहीं था कि मैं शाम को बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि अब थक गए हैं, अब क्या करें, तो ऐसा मैं ब्रेक्स लेता था, मैं ब्रेक से नहीं डरता था। लेकिन बिल्कुल जो सुबह का टाइम था, तो वो मैंने कंसिस्टेंसली दिया है इसको, तो उसकी वजह से तो और जो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हॉलीडेज आती थी और संडेज वनडेज, इनमें आप थोड़ा खींचते थे पढ़ाई को? जी हाँ, वहां पर तो खींचते थे, लेकिन वो भी नहीं था कि मैं पूरा दिन फिर उसी के साथ रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता था अपना टाइम, तो सुबह ज्यादा ही टाइम लगता था। मतलब अगर मैं 9 बजे तक पढ़ता था सुबह, तो उन दिनों संडे तक, 10-11 तक तो मैं जाता था। फिर ब्रेक ब्रेक्स जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो उससे आप, मैं मुझे लगता है, मुझे, मैं अपना कहूंगा, मुझे नहीं पता कि सबको होता है कि नहीं, एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो फिर आपको कुछ समझ नहीं पाते हो, आप रिटेन नहीं कर पाते। तो मैं बीच बीच में ब्रेक्स ले लेता था, तो थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा फैमिली में बैठ लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जो मेंटल कामनेस मिलती थी, तो सो दैट कि मैं आगे भी इसको, फिर इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाता था। और कोई स्पोर्ट कोर्ट भी खेलते थे कि नहीं? स्पोर्ट्स तो हाँ खेलते थे, लेकिन ज्यादा नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं। तो क्रिकेट मैं खेलता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी मतलब कभी कभार ही, ज्यादा मैं उसमें नहीं गया जैसे उतना आपका टाइम नहीं। जूनियर जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया एंड आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं था कि ये कंफर्ट जोन आ गया? मतलब उस चीज को आप, मतलब मैं देखता हूँ कुछ लोग फिर कंफर्ट जोन में आते हैं, एस्पिरेशन तो होती है कि बहुत कुछ अचीव कर ले, बट एक कंफर्ट जोन में आते हैं, तो आपने वो चीज नहीं आने दिया अपनी लाइफ में, आप फिर फाइनेंस अकाउंट्स के लिए भी पढ़ रहे, तो इस चीज को आपने कैसे कर लिया? कुछ लग बच्चे हैं जो फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वहां से आपने कैसे अपने आपको निकाला? जब आप किसी एग्जाम या कुछ मतलब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं, तो आप में एक हैबिट डेवलप हो जाता है, कि लर्निंग हैबिट, कि आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली लर्न। क्योंकि जब आप, फॉर एग्जांपल, मैं तो अपना कहूंगा, मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बाकी चीजें, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। तो जब मैंने ये पढ़ा, तो उससे मुझे एक मतलब फील आया कि मुझे अब समझ आ रहा है कि अगर कोई कहता है कि ये कंट्री आज रिसेशन में चली गई, तो इसका मतलब क्या मतलब है। क्या है? तो वो चीज एक, वो मतलब एक लर्निंग हैबिट आप में आ जाता है। तो जब आप में वो आ जाता है, तो आप कंटिन्यूअसली आप चाहते हो कि मैं सीखूं, कुछ नया सीखूं आज, तो फिर आपकी पढ़ाई उतना मतलब, उसके साथ साथ आपकी अपने भी एस्पिरेशंस होती है कि कुछ करें, कुछ बड़ा करें, तो वो आपको ड्राइव करती है कंटिन्यूअसली, आपने जो आप एफर्ट्स देते हो। एंड आई होप कि आपके एस्पिरेशंस अभी पास से नहीं रुकनी चाहिए, मतलब यू आर द टॉपर एंड आई विश एंड आई होप कि आप कंटिन्यू कर लो और थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर लो, थैंक यू, थैंक यू सो नाउ शिफ्ट टू मच। पीएससी यूपीएससी ऐसा कुछ, और या उससे भी बड़ा कुछ आप कर लो। और ये तो चलो जूनियर असिस्टेंट का आपका अभी हो गया, बीच में एक ब्रेक आ गया, आप अपना देखो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने इंजीनियरिंग कर ली है, बीटेक एमटेक, यहाँ से आप अपने लाइन चेंज कर लिया, आप एसएसबी एग्जाम में आ गए जो डिफरेंट लाइन है, तो अब देख रहे हो आप एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, बीच में स्क्रैप हो गया, 2020 में नोटिफिकेशन निकाली, 2022 में पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ आ गया आपकी नौबत यार, लाइक यार मैं तो एक गलत डायरेक्शन में आ गया, कि इसे बेहतर था कि इंजीनियरिंग फील्ड में आगे कुछ जाके कहीं बाहर निकल के कर लेता, तो वो एक फिर गिव अप वाली सिचुएशन ऐसा तो नहीं आ गया? और अगर आ गया तो आपने इसको ओवरकम कैसे कर लिया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं ये देखा हूँ कि सर क्या करें, छोड़ दे एसएसबी को कि कंटिन्यू रख ले, आपके साथ कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जो है, मैं उन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो एग्जाम स्क्रैप होना, उसका, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
यार एग्जाम का इवन ये रिजल्ट क्या होना आएगा, मेरे फेवर में आएगा कि मेरे अगेंस्ट आएगा, तो वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो मैं बस फोकस करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं खुद कर सकता हूँ, जहां पर मेरे एफर्ट्स में मैं एफर्ट्स अपने दे सकता हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मैं उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर फिर अल्लाह की मर्जी है कि क्या होता है, फिर वो तो उसी के हाथ में, तो मैंने उसको उसी पे छोड़ दिया है। तो मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं बिल्कुल मतलब वो डिस्पायर में चला जाऊं और मैं छोड़ दूं, तो ऐसा कुछ मुझे मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया। माशाल्लाह, एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि ऐसी सब सिचुएशंस में आपको अपने कंट्रोलेबल्स पे फोकस करना है। आप क्या कर सकते हो, एग्जाम डिले हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अनकंट्रोल्ड के बारे में आपको सोचना नहीं, जो कंट्रोलेबल्स आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो, आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, और फिर ये क्या उस वक्त का डिसीजन होता है, फिर बाकी लाइफ में क्या होना है वो आप अल्लाह पे छोड़ो, बट आपके हाथ में जो है मेहनत करना वो आपको करने हैं। तो एक चीज आपने मॉक्स में बोली एक बात, उसको मैं थोड़ा और चाहता हूँ कि आप क्लियरली बता दो, कि जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट बोला था अभी कि वो आपने कोई बोला था इकोनॉमिक्स का कोई, जो आपने मॉक्स से पता लगा कि ये ऐसा नहीं है, या उसके बगैर भी आपको कुछ चीजें लगी जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे या डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, उनकी प्रिपरेशन आपने कैसे कर ली? एक्चुअली डिफिकल्ट तो तभी तक थी जब तक वो मैंने पढ़ी नहीं थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अकाउंटेंसी में जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मैंने ज्यादा फोकस वही बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, वो स्टेटमेंट्स उन पे किया था। और जो वो बाकी जो थे, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उस पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो वहां पर मैं पूरा स्विफ्टली आगे बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो एक दो मॉक टेस्ट में मैंने उसमें से उसी टॉपिक में से पांच पांच सवाल देखे, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो ये मुझे मुझसे नहीं हो रहे। तो फिर मैं बैक गया अपने उस, मेरे पास एक बुक है वो विशाल पब्लिकेशंस की, तो वो मैंने लाई थी, तो मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाए थे, तो जो भी था वो मैं उसी में ऐड करता जा रहा था। तो जब मैं वहां पर गया, तो मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व अभी भी नहीं हो रहे थे। फिर मैंने बहुत सारे मतलब यूट्यूब आप से ही, फिर मैंने एक्चुअली वो पार्ट मैंने वहां से मतलब क्लियर हो गया था वहीं से। तो वही तो डिफिकल्ट जो भी है, डिफिकल्ट तभी तक होता है जब आप आपने उसको पढ़ा नहीं होता है, तो जब आप पढ़ते हैं तो फिर वो खुद ही इजी बन ठीक, जाता मतलब आप पहले सिलेबस को देखो, ऐसा तो नहीं है हर कोई पार्ट डिफिकल्ट होगा, है। 60-70%, 80% सिलेबस कॉमन होगा जो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी और ये सब मिलेगा, पहले आपको उसको करना है, आप मुझे बता देना अगर मैं गलत बताऊंगा, फिर जब डिफिकल्ट टॉपिक्स आ गए देन अगर आपको अपने सोर्स से नहीं हो रहा क्लियर, देन आपको स्विच करना पड़ेगा थोड़ा कि ये मुझे किस सोर्स से मिलेगा, और उस सोर्स से आपको उतना ही लेना है, ऐसा नहीं है कि फिर उस सोर्स से आप फिर बाकी वो सब चीज भी ले लो कि अब वो भी आप उसी से पढ़ोगे, फिर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है, जो आपको अपने मेन सोर्स से हुआ है कवर उसको वहां से ही कर लो, अब कुछ लगा ये डिफिकल्ट हो रहा है तो पता चला अच्छा इस सोर्स यहाँ पे कवर हो रहा है वहां से उतना ही ले लो, यही बात करनी है, रादर देन कि फिर उस सोर्स का फिर आप सारा पढ़ते जाओ, फिर उसके नोट सारे पढ़ते जाओ, उससे फिर टाइम आपका बहुत जाया हो जाता है, उस चीज का भी ख्याल रखना है। तो कोई और चीज जो आपको लगेगा कि मतलब जो आपको हेल्प कर रही है, या अभी हमारी कन्वर्सेशन जो होगी पिछले 30 मिनट्स की, इसमें अगर वो छूट गई कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगा कि मतलब जो आपको हेल्प कर ली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, या जो बिगिनर है SSB एग्जाम्स के लिए उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज हो गई इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि देखिए आप जो मेहनत करते हो मेरे ख्याल से वो कभी जाया नहीं होती। जब मैंने आपको पहली एग्जाम्पल दी थी कि उसकी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैंने पढ़ा था, लेकिन वो एग्जाम ही स्क्रैप हो गया, लेकिन मुझे पता था कि मतलब उस वक्त तो लगा था मुझे कि भाई ये क्या किया, ये तो हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, ये 3-4 महीने मैंने लगाए थे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में मुझे पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम मैंने उससे क्वालिफाई किए थे, और एमटेक जब मैं कर रहा था तो उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि मेरे मैंने बेसिक्स जो थे वो मेरे क्लियर हो गए हो थे। गया उससे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करो मेहनत, मेहनत मत छोड़ो आप। अगर आपको इस एग्जाम में आपको रिजल्ट नहीं मिला मिलता है, तो इनशाला आपको आगे जाके आपको बहुत मतलब इसका इसका फायदा जरूर मिलेगा आपको। और आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे इस पर्टिकुलर पूरे टाइम में, मतलब 3-4 साल की जर्नी में आप मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को कंटिन्यूअसली? यही तो मैं कह रहा था कि मैं जब मैंने मतलब मैं देखता था कि मुझे अपना देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो मैं अपने आप को मगर फॉर एग्जांपल मैं आइडियल नहीं बैठ सकता था कि मैं आइडियल बैठूं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही ऑब्वियसली है। मुझे करना ही था।
तो मैं अपने आप को बोलता था कि चलो मैं जो भी है, जो कोई भी एक प्रोडक्टिव वर्क जो मेरे मैं कर सकता हूँ तो वो मैं करूँ, तो सो दैट कि आगे फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा मुझे इसका मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मैं वही मतलब मेरा एक माइंडसेट बन गया था आगे। बहुत अच्छा। और एक और बात जो मैं जानना चाहूंगा, मतलब इस पर्टिकुलर जर्नी में एक तो ये चीज था कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको एडवांटेज तो हो गया, फिर आप सिलेक्ट भी हो गए, उसके बगैर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ गई इसकी वजह से, बिफोर दैट जो था प्रोसेस एंड देन एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में कुछ चीजें जो इस एग्जाम ने आपको सिखाई? ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैंने बोला ना कि आपका एक व्यू, वर्ल्ड व्यू जो है वो ब्रॉड हो जाता है, आप समझने लगते हो कि एक ये लर्निंग हैबिट आप में डेवलप हो जाता है। तो वो चीजें आप में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसकी वजह से आप में मतलब ये सारी चीजें आपको ये आपके अंदर आ जाती है। तो उससे आपको तो बहुत ही मतलब फायदा तो आपको मिलता है, आपकी डेली लाइफ में भी आप कहीं पर भी हो उसका फायदा तो आपको जरूर मिलता है। और ये एग्जाम का जब रिजल्ट आ गया तो आपकी तब वाली फीलिंग कैसी थी, और पेरेंट्स का फिर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग थी और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो अभी ज्यादा उन मतलब उनको मतलब ये तो मुझे तो एक्सपेक्टेड ही था कि मैं ये हो जाएगा, लेकिन टॉप हो जाएगा ये ये आइडिया नहीं उनको था कि नहीं टॉप हो पता है, ये जाओगे। आइडिया नहीं, ये आइडिया नहीं था। तो लेकिन फिर मम्मा पापा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। चलो माशाल्लाह, तो विश के आपकी जल्दी अब फाइनेंस में भी ज्वाइनिंग हो जाए, एंड आप इधर ना रुको बल्कि अभी टाइम है, क्योंकि कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन में अगर बंदा जाता है तो फिर वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी आप इतना टाइम कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हो तो वो हैबिट जो डेवलप हुई है इसको आप कंटिन्यू कर लेना, और जो इससे लेवल अभी ऊपर है उसके लिए आप फोकस कर लो, और इंशाल्लाह वहां पे भी आप टॉप कर लो। आप डेफिनेटली यहाँ पे टॉप ही हो इंशाल्लाह। मोर लेस तो मतलब वो थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ता ही है, मतलब अब बहुत इसमें फिल्टर आउट करके जो बच्चे होते हैं वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट, मतलब कि आप नहीं कर सकते हो। तो आप अपना, हमारी ये सजेशन रहेगी कि आप रुको नहीं बल्कि इस जर्नी को और कंटिन्यू कर लो, और हायर एग्जाम्स के लिए इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लो, और इंशाल्लाह वहां पे भी सिलेक्शन ले लो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप कि ये जो आपकी मैसेज रही, ये जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियोस को देखेंगे उनको इंस्पायर करेगी और उनको मोटिवेट करेगी कि वो और ज्यादा पढ़ाई कर ले, और उनको एक थोड़ा आइडिया भी मिल गया कि किस लेवल से उनको अप्रोच करना है इन जैसे जीके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, और इंशाल्लाह उनके लिए बहुत हेल्प होगी। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।